हेलो टू एवरी वन, दिस इज़ सुजीत सिंह और हम बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ को स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर चल रहा है बच्चे क्लास 11 का बायोमोलिक्यूल्स और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ने के बाद एटलीस्ट एक बार अपने बुक्स को रीड करो। साथ में साथ मैं आप सभी को बोलूँगा बच्चे कि जो भी बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर अभी तक आपने स्टडी किया है इन सभी के स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट आप एक से दो बार बना करके प्रैक्टिस करो कि बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। ठीक है, साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को लेकर के आते हैं और साथ में छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक जो है बच्चे अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो प्रोटीन है ना एक तरह का बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो अगर हम प्रोटीन को अंडरस्टैंड करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन एक तरह का क्या है, प्रोटीन आर अ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक तरह के क्या है, तो एक तरह के क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हम क्यों बोलते हैं, प्रोटीन प्रोटीन आर अ पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो यहाँ पर दो टर्म है, पॉली और पेप्टाइड। जब भी यहाँ पर दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स या दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। इस चीज़ को तो आप अंडरस्टैंड करना कि सपोज अगर आपके सामने कोई अमाइनो एसिड है, सपोज हमने अमाइनो एसिड फर्स्ट देखा, ठीक है, और दूसरा अमाइनो एसिड हमने देखा, अमाइनो एसिड सेकेंड देखा। अभी ये कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, अभी तक दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन दोनों एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा कि अमाइनो एसिड फर्स्ट और अमाइनो एसिड सेकंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड की हेल्प से बाइंड हो जाएंगे। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये बात तो समझ में आ रही है। अब देखो जब भी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। वो आगे चल के हम बात करेंगे कि यहाँ पर जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर वाटर का क्या होता है, रिमूवल होता है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम प्रोटीन को बोलते हैं क्योंकि एक प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि अमाइनो एसिड जो हैं प्रोटीन की बेसिक यूनिट की अगर हम बात करें तो बेसिक यूनिट क्या है इसकी बच्चे, बेसिक यूनिट क्या है एक तरह की, तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है बच्चे, अमाइनो एसिड। और ये वही अमाइनो एसिड जिसमें हमने अल्फा कार्बन की बात किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो एक तरह का हेटरोपॉलीमर है। प्रोटीन दूसरा पॉइंट इसका क्या है बच्चे, ये एक तरह का क्या है, हेटरो पॉलीमर है। हेटरोपॉलीमर हमने क्यों बात किया, क्योंकि हमने बात किया था कि जो अमाइनो एसिड्स हैं ना बच्चे वो उनका नंबर अगर हम देखें तो 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का मतलब है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब एक ही टाइप के अमाइनो एसिड्स नहीं प्रेजेंट है, वेरिएशंस है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड एक दूसरे से बाइंड किए हैं और एक वहाँ पर एक पॉलीमर फॉर्म किया और उस पॉलीमर के अंदर डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, दैट्स वाई कॉल्ड एज दैट पॉलीमर इज अ हेट्रो पॉलीमर इन नेचर। बात समझ में आ रही है बच्चे, तो ये जो हेट्रो पॉलीमर है ये एक तरह का जो चेन है वो लिग्नियर भी हो सकता है और फाइनल जब प्रोटीन के क्योंकि क्वार्टनरी स्ट्रक्चर तक प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स की प्रोटीन्स फॉर्म प्रेजेंट होती है। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि प्रोटीन आर अ पॉलीपेप्टाइड चेन और ये साथ में कैसा होता है, लिग्नियर होता है। ये बात समझ में आ रही है सभी को। अगर हम बात करें बच्चे कि प्रोटीन कोई भी प्रोटीन ये क्या कैरी आउट करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन, क्योंकि ये एक तरह की क्या है, स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, परफॉर्म
एंजाइमेटिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोल सेल्स के अंदर हैं प्रोटीन का, और अगर हम इसी चीज़ को देखें बच्चे, तो प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, तो मेड अप बाय अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं बच्चे, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स दोनों टाइप के हैं। तो हमने यहाँ पर किसकी बात करनी है बच्चे, इसेंशियल अमाइनो एसिड, और दूसरा क्या बच्चे, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो हमें बात किसकी करनी है, तो हमें बात करनी है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में। और ये अमाइनो एसिड्स का अगर हम नंबर देखें तो 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मीन जितनी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है इन अमाइनो एसिड्स की हेल्प से हो रहा है। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखें, तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्रोटीन के एग्जांपल्स की बात करें, तो कोलेजन जो है वो एक तरह का क्या है, प्रोटीन है। इसका फंक्शन क्या है, तो इंट्रा सेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस। ठीक है, मींस कोलेजन जो है वो हमारे स्किन्स में प्रेजेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। उसी तरीके से अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें, तो ट्रिप्सिन जो है एंजाइमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। इंसुलिन जो है वो एक तरह का हार्मोन की तरह काम करता है। एंटीबॉडी जो है आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम में बेसिकली कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में आता है, तो उसकी अगेंस्ट में जो आपकी इम्यूनिटी काम करती है वो इसी एंटीबॉडी की हेल्प से काम करती है। ठीक है, अगर हम बात करें रिसेप्टर, तो जो भी हमारे सेंसरी रिसेप्शंस हैं, जैसे लाइक हम किसी भी फ्रेग्रेंस को स्मेल आउट करते हैं ना, टेस्ट हमारे हैं, हार्मोन्स हैं, तो ये सभी क्या हैं, रिसेप्टर्स की हेल्प से काम करते हैं। अगर हम बात करें GLUT4, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ये बेसिकली क्या करता है, तो ये इनेबल करता है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में, कहाँ पर, सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर सपोज एक GLUT4 है, तो बाहर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो सेल के अंदर आता है ग्लूकोज किसकी हेल्प से, ग्लूट फोर प्रोटीन की हेल्प से। बात क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोटीन के, और इन एग्जांपल्स की हेल्प से आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के फंक्शन को स्टडी करोगे। अगर आपसे कोई पूछे कि इस अर्थ पर मोस्ट अबंडेंट फॉर्म के जो प्रोटीन्स हैं, अगर आप बात करो कि अगर आप बात करो इन अवर बायोस्फीयर, ये आप कह सकते हो कि आपके बायो, जब भी आप बायोस्फीयर की बात करते हो बच्चे, तो आप अपने दिमाग में हमेशा ले आओ कि हम पूरे अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि इस टर्म को हम इवोल्यूशन चैप्टर्स में और भी ज़्यादा डेप्थ में लेके चलेंगे, तो अभी तक मान के चलो कि बायोस्फीयर पर मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है बच्चे, अगर हम बात करें किसी प्लांट की, या अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, तो प्लांट सेल्स में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारे बायोस्फीयर पर या हमारे अर्थ पर, तो इसका एग्जांपल है बच्चे रुबिस्को। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल है, रुबिस्को। ये क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, आपके अर्थ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट की प्रेजेंट है। अगर आप वहीं पर बात करो एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स में अगर आप मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की बात करो, तो अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कोलेजन। कोलेजन, तो कोलेजन क्या है,
एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, रूबिस्को क्या है बच्चे, ये प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे जब C3 साइकिल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, कैल्विन साइकिल के बारे में, तो वहाँ पर हम रूबिस्को के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे अर्थ पे या पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, तो प्लांट के केस में रूबिस्को, एनिमल सेल्स के रिस्पेक्ट में कोलेजन। ये बात क्लियर है बच्चे सभी को? चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बच्चे वो है पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड्स को अगर हम बात करें, पॉलीसेक्राइड्स HARIDS, ठीक है, हाँ पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लेना, हालांकि ये करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। चलो पॉलीसेक्राइड को अगर हम स्टडी करें कि पॉलीसेक्राइड्स होते क्या हैं, तो पॉलीसेक्राइड एक तरह के क्या हैं बच्चे, कार्बोहाइड्रेट ही हैं। पॉलीसेक्राइड एक तरह के क्या हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखो तो पॉली, पॉली का मतलब मल्टीपल, सेक्राइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम बात करें, इस चीज़ को, सेक्राइड अगर हम सिंपली बोलें कि सेक्राइड्स क्या होते हैं, तो सैकेराइड्स जो हैं वो एक तरह के क्या हैं बच्चे, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये किससे कंसिस्ट होते हैं, तो ये कंसिस्ट होते हैं बच्चे, ये कंसिस्ट होते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें तो अ सैकेराइड या अ पॉलीसेक्राइड, सेक्राइड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंसिस्ट विथ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बात क्लियर है? अगर हम इसी चीज को डिटेल में देखें तो सेक्राइड एक तरह के क्या है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट है, जो किससे मिलकर के बना है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हेल्प से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस सेक्राइड यूनिट को हमने ब्रॉडली थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक को हमने बोला मोनो सेक्राइड, दूसरे को हमने बोला डाई सेक्राइड, तीसरे को हमने बोला पॉलीसेक्राइड। बात समझ में आ रही बच्चे, पॉलीसेक्राइड्स। तो अगर हम मोनोसेक्राइड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो कह सकते हैं कि जो मोनोसेक्राइड है कंटेन करता है एक सेक्राइड मॉलिक्यूल को, कंटेन वन सेक्राइड मॉलिक्यूल, ठीक है। और डाइसेक्राइड, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे डाई है, यहाँ पे मोनो है, और यहाँ पर क्या है बच्चे, पॉली है, तो ये कितना कंटेन करता है, नाम से ही क्लियर है, कंटेन टू सेक्राइड मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम पॉली की बात करें तो कंटेन मैनी सेक्राइड मॉलिक्यूल, आप कह सकते हैं कंटेन मैनी सेक्राइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चे कि अगर मोनोसेक्राइड के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो इनके एग्जांपल्स की अगर आप बात करो तो यहाँ पर हम बात करते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, साथ में हम बात करते हैं गैलेक्टोज। बात क्लियर बच्चे? अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम बात करते हैं माल्टोज, अगर हम बात करें सुक्रोज, अगर हम बात करें लैक्टोज, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, डाई सेक्राइड के हैं।
अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें, इसके एग्जांपल्स को देखें, तो बेसिकली हम बात करते हैं स्टार्च की बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की बात करते हैं, और साथ में बात करते हैं बच्चे सेलुलोज। तो बच्चे बेसिकली सेक्राइड यूनिट कितनी प्रेजेंट है उस बेसिस पे हम बात करते हैं कि वो मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें कि ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एक तरह का क्या है? पॉलीसेक्राइड है। और हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? पॉलीसेक्राइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर्स को देखें, तो ये एक तरह का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। यहाँ पर बहुत ढेर सारे क्या प्रेजेंट है? सेक्राइड यूनिट है, कंटेन मैनी सेक्राइड मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर है? तो बेसिकली अगर आप इसको देखो कि किसी भी पॉलीसेक्राइड का जो राइट एंड होता है ना बच्चे, राइट एंड जो होता है वो एक तरह का कैसा एंड होता है? रिड्यूसिंग एंड होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है? और लेफ्ट एंड जो होता है बच्चे वो एक तरह का क्या होता है? किसी भी पॉलीसेक्राइड का जो लेफ्ट एंड होता है वो एक तरह का नॉन रिड्यूसिंग होता है। ये बात समझ में आ रही है? मीन्स ये एंड जो है वो आसानी से रिड्यूस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक और चीज आप यहां पे याद रखना हमेशा, कि जो अगर पॉलीसेक्राइड को चेक करना, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्च की बात करें, तो स्टार्च एक तरह का क्या है बच्चे? स्टार्च एक तरह का क्या है? तो पॉलीसेक्राइड है, ठीक है? ये तो हमने एग्जांपल देखा किसका, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ मल्टीपल्स क्या है? सेक्राइड यूनिट्स हैं। तो अगर हम बात करें बेसिकली यहीं पर कि स्टार्च जो है, या आप बात करो बच्चे सेलुलोज, तो सेलुलोज क्या है? एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। सेलुलोज एक तरह का क्या है बच्चे? इट इज अ पॉली सेक्राइड है। बात समझ में आ रही है? अब पॉलीसेक्राइड है, या आप कह सकते हो पॉली पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है, जो एक ही तरह के यूनिट से मिलकर के बना है, ठीक है? अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखो तो आप कह सकते हो इट इज मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ ग्लूकोज मोनो सेक्राइड यूनिट। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और ये जो एक लीनियर चेन बनेगी, होमोपॉलीमर चेन बनेगी, वो एक तरह का क्या बनेगा बच्चे? इट इज अ होमो पॉलीमर। अब देखो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है? तो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बहुत सारे यूनिट एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और फाइनली वो क्या बनाएंगे? एक सेलुलोज को बनाएंगे, ठीक है? अगर आप इसी को देखो बच्चे, स्टार्च क्या है एक तरह का? ये भी एक तरह का क्या है? पॉलीसेक्राइड है। हमने एग्जांपल्स में देखा कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एक तरह के क्या है? पॉली सेक्राइड्स हैं। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि अगर आप स्टार्च को आइडेंटिफाई करो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च वी यूज आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ये कैसा, अगर सॉल्यूशन के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, इफ स्टार्च प्रेजेंट देन अपीयर ब्लू कलर। ये बात समझ में आई सबको बच्चे? चलो एक छोटी सी चीज और बाकी यहां पर हम बता देते हैं, इनुलिन। इनुलिन क्या है एक तरह के? तो अगर आप इसको देखो
इनुलिन। तो इनुलिन इंसुलिन नहीं है, इसको इससे कंफ्यूज मत होना बच्चे। इनुलिन एक तरह का क्या है, पॉलीमर है जो फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है। तो इनुलिन इज अ पॉलीमर कंसिस्ट विथ 22 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज यूनिट। बात समझ में आ रही है? अगर आप बात करो यहीं पर, अगर आप बात करो बच्चे कि कॉटन फाइबर क्या होते हैं, तो कॉटन फाइबर क्या होते हैं कोई मुझे बताएगा? कॉटन फाइबर इज अ सेलुलोज, ठीक है। तो सेलुलोज क्या है, एक तरह का पॉलीसेक्राइड है, मीन्स इसका एग्जाम्पल कॉटन फाइबर भी हो सकता है ना। अब देखो होगा क्या कि अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड को स्टडी करो, मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड को अगर आप देखो, तो पहली चीज कॉम्प्लेक्स है, इट मीन्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट है, सेक्राइड यूनिट है। तो एक तरह के कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड ऑलवेज कैसे होंगे, हेट्रोपॉलीमर होंगे, ठीक है, हेट्रो पॉलीमर होंगे। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, पॉलीमर का मतलब होता है बच्चे एक पूरा सेगमेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करो कि अगर इसके एग्जांपल्स को देखो, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड के अगर आप एग्जांपल्स को देखो, तो आप बात करते हो ग्लूकोशा एमीन, आप बात करते हो एन एसिटाइल गैलेक्टोएमीन, ठीक है। अगर आप बात करते हो काइटिन, काइटिन भी क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। काइटिन कहाँ प्रेजेंट होता है कोई मुझे बताएगा कमेंट करके? तो ये प्रेजेंट होता है बेसिकली एंथ्रोपॉड्स के एक्सोस्केलेटन्स में, प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ एंथ्रोपॉड, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है बच्चे? तो अभी तक हमने इन चीज़ों को बहुत डिटेल वे में देखा है कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो आगे हम आने वाले टॉपिक्स में स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। तो वहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, और इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इन चीज़ों को भी हम बहुत डिटेल वे में देखेंगे। तो अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, और इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है बच्चे। और बात हमने ये भी किया कि जो मेटाबोलाइट्स हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट से कैसे एक दूसरे से डिफरेंसेस आते हैं। साथ में हमने ये भी बात किया कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और किसी लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। हमने वहाँ पर बात किया केमिकल एलिमेंटल एनालिसिस के बारे में। तो आप मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ को अपने फ्रेंड सर्कल्स, अपने सीनियर्स जूनियर्स के साथ शेयर करिए ताकि सभी का बेनिफिट हो। और मेरा यही मेन टारगेट है बच्चे कि आपके बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि आपको बायोलॉजी में एक इंटरेस्ट आए और अपनी लाइफ में आप ग्रो करो। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चे। अगर आपको ये सारे टर्म्स, सारे स्ट्रक्चर्स, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं बच्चे, तो आपको हर एक टॉपिक पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो लेक्चर्स पे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लर्न करने को मिला है। और साथ में साथ आप आइए इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होइए, और कभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कीजिए, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कीजिए। वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उससे भी अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस। मेरे लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स बहुत ईजी मैनर में लेकर के आऊँ। थैंक यू वेरी मच।